नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। खून से लथपथ दो अधेड़ हाथ में रॉड लिए पहुंचे आदित्यपुर थाना, परिसर में मची अफरा तफरी। कमरिया प्रखंड के 3 मतदान केंद्रों में मशीन खराब होने के कारण 1 घंटे देर से शुरू हुआ मतदान। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पति मानको सोरेन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी, भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा समेत पूर्व मुख्यमंत्री ने किया मतदान। और कपाले स्थित हाशमी मोहल्ला में जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट, घायल का एमजीएम में चल रहा इलाज। खबरें विस्तार से। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खून से लथपथ एक अधेड़ दूसरे अधेड़ के साथ थाना पहुंचा, उसके हाथों में रॉड था। पूछने पर लहूलुहान व्यक्ति ने अपना नाम अशोक कुमार बताया। उसने बताया कि वह पेशे से दर्जी है और किसी काम के लिए बाजार गया हुआ था। वहां नशे में धुत एक व्यक्ति आया और उसके साथ उलझ गया। अशोक ने बताया कि सामने वाले की हरकत देखकर मैं वापस अपनी दुकान लौट गया। इसी बीच वह हाथों में लोहे का रॉड लेकर आया और उस पर हमला कर दिया। बीच बचाव कर नशेड़ी सहित थाना आया हूँ। फिलहाल पुलिस ने घायल अशोक को प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया है, वही नशेड़ी को हिरासत में ले लिया है। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, मैं टेलर का काम करता हूँ। हाँ, क्या हुआ? मैं अपना मटेरियल लाने के लिए गया था निखिल के दुकान में। वहाँ से मेरे एक दोस्त दिखाई दिए, एक दुकान में बैठा हुआ था। हम उससे बात करने लगा, ये पी करके वहाँ पे खड़ा था, मेरे को बोल रहा है कि तुम चुप रहो। हम बोला भाई क्या बात है, क्यों चुप रहे? तो बोलता तुम चुप रहो। वहाँ मेरे साथ हाथापाई करने लगा। हम वहाँ से किसी तरह भाग करके अपना दुकान आ गया सल्ठा। ये मेरा दुकान में उतना बड़ा रड ले करके आया मेरे को मारने के लिए, फिर भी हम चुपचाप बैठा हुआ था। मेरे को बोलता मार देंगे मार देंगे। हम बोला जाओ, तुम पिया हुआ है, तुम अपना घर जाओ। मेरा ऊपर वो मार दिया, हम उसको लेकर के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक। उसका क्या नाम है? उसका नाम हमको नहीं मालूम है। पियकर आदमी लोग क्या नाम मालूम है? थाना खुद अपने पकड़ के लाया, हम खुद पकड़ के लेके आ रहे हैं। अगर हमको मारना होता तो बूढ़े का हाथ में शरीर में कितना ताकत है बताइए, मार करके वही नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन हम क्यों आए? सरायकेला जिला के गमरिया प्रखंड अंतर्गत 3 मतदान केंद्रों में मशीन खराब होने के कारण लगभग 1 घंटे देर से शुरू हुआ मतदान। गमरिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले बूथ संख्या 32, 47 और 51 में अचानक ईवीएम एवं उससे जुड़ी अन्य मशीनों में खराबी आने के कारण निर्धारित समय से 1 घंटे तक वोटिंग बाधित रही। जहाँ चिलचिलाती गर्मी में सभी मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए, वहीं सभी बूथों में मौजूद पदाधिकारियों ने वोटिंग बाधित रहने के कई तकनीकी कारण बताए। बूथ संख्या 51 के पदाधिकारी ने बताया कि देर से वोटिंग शुरू हुई है तो वोटिंग समाप्त करने की समय सीमा भी बढ़ा दी जाएगी। ये कंट्रोल यूनिट में एरर आ रही थी जिसके वजह से पोलिंग 1 घंटे बाधित रही। कितने बजे पोलिंग शुरू हुई सर? 8:15 बजे। तो सर अब पोलिंग 8:15 में शुरू हुई तो बंद कितने बजे करेंगे? जब तक लोग रहेंगे मतदान के लिए। 5 बजे से निर्धारित समय है तो 1 घंटा देर से शुरू होगा, 1 घंटा देर तक चलेगा। बिल्कुल। क्या नाम है सर? सच्चिदानंद कुमार। उधर 10 सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 11 खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान किया गया। सरायकेला और खरसवा विधानसभा क्षेत्र में कुल 5,91,067 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे। 3 बजे तक सरायकेला में मतदान प्रतिशत 59.66% और खरसवा विधानसभा में कुल 64.57% मतदान रहा। चुनाव आयोग की ओर से वोटरों को रुझान के लिए कई कार्यक्रम प्रचार प्रसार किया गया, यहाँ तक कि पार्टी समर्थकों द्वारा भी मतदान केंद्र तक वोटरों को पहुँचाया गया, परंतु वोट प्रतिशत में कमी देखा गया। वोटरों में मताधिकार का प्रयोग करने, अपने मनचाहा प्रत्याशी चयन करने के प्रति रुझान में कमी रही। चुनाव आयोग के प्रयास भी और कार्यक्रम का असर फीका रहा। यदि देखा जाए तो सरायकेला विधानसभा की अपेक्षाकृत खरसवा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत अधिक है। सरायकेला विधानसभा में 3,66,979 मतदाता अपना प्रत्याशी के लिए मतदान किए, वहीं खरसवा विधानसभा में 2,24,078 मतदाता ने मत डालकर सही प्रत्याशी के लिए मताधिकार का प्रयोग किया। सरायकेला विधानसभा में 431 व खरसवा विधानसभा में 282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 51 सरायकेला विधानसभा तथा 11 खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 57 खरसवा विधानसभा के मतदान केंद्रों के लिए आज पूर्वाह्न 6 बजे से मतदान पदाधिकारियों कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र, मतदान सामग्री एवं ईवीएम के साथ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहा। सुबह से ही मतदाता अपने वोटर कार्ड के साथ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किए। कई स्थानों में ईवीएम की खराबी के कारण
कई अप्रिय घटनाओं की सूचना नहीं रही। पोलिंग पार्टी के साथ सेक्टर पदाधिकारी व पुलिस बल को भी टैग किया गया था। 713 पोलिंग पार्टियां, 106 माइक्रो ऑब्जर्वर, 78 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं इसके अतिरिक्त रिजर्व पर्सनल को भी रखा गया था। इस तरह 713 मतदान केंद्र के लिए कुल 2852 मतदान कर्मी को रवाना किया गया। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने उन्हें कई बिंदुओं पर ब्रीफ किया। इस दौरान उपायुक्त ने मतदान केंद्र के लिए रवाना हो रहे मतदान दल के कई सदस्यों से वार्ता की तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनकी धर्मपत्नी मानको सोरेन समेत अन्य सदस्य ने जिलिंगगोड़ा बूथ संख्या 220 में मतदान किया। वहीं मतदान को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 10 बजे अपने घर के समीप उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिलिंगगोड़ा मतदान केंद्र बूथ संख्या 220 में पत्नी मानको सोरेन और पुत्र समेत घर के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे और मतदान किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मतदान करना आपका मौलिक अधिकार है, इसके लिए मतदान जरूर करें। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ नहीं कहा। सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए लोग सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किए। लोग काफी उत्साहित दिखे। सिंहभूम लोकसभा सीट में कुल 14,32,934 मतदाता है। कुल मतदान केंद्र 1716 है। वहीं 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 5 विधान है, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर आदि विधानसभा क्षेत्र है जहां लोग पहुंचकर मतदान किए। सभी से अपील करता हूं कि आप लोग अपना अपना मत मतदान कीजिएगा, ये अपना मौलिक अधिकार है। थैंक यू। झारखंड की जनता दादा जो बूथ पे है वो किसके लिए मतदान कर रही है झारखंड, ये अभी यहाँ नहीं कहेंगे, बाद में खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया। सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए, मतदान मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन में। पूरे परिवार के साथ आए हैं सर? हाँ, पूरा परिवार के साथ मतदान। शांतिपूर्ण तरीके से आदित्यपुर निगम क्षेत्र में और पूरे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में मतदान चल रहा है और लोगों का रुझान भी बहुत बढ़िया है, शानदार तरीके से मतदान हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा सिंहभूम लोकसभा सीट है इसमें जो मांधी कम से कम 5 लाख मतों से जीतेगी, ऐसा हमारा आकलन है। जिस प्रकार का शहरी मतदाताओं को रुझान मैं आदरणीय जो मांझी जी के प्रति देख रहा हूँ, इससे स्पष्ट हमको प्रतीत हो रहा है कि उनकी भारी विजय होने जा रही है, बड़ी विजय होने जा रही है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ठीक है, खाली थोड़ा सा इस बूथ पर हम जिसमें हम हैं 168 में, यहाँ थोड़ा सा अभी धूप के चलते थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन तो भी ठीक है, बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान हो रहा है। वहीं कपाले स्थित हाशमी मोहल्ला में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। मामले में साजिद अंसारी नामक व्यक्ति घायल हो गया जिसे इलाज के लिए MGM में भर्ती किया गया। कपाले स्थित हाशमी मोहल्ला में जमीन विवाद में साजिद अंसारी को उसके जीजा शाहिद अंसारी ने लाठी डंडा से मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया है। क्या नाम है? साजिद अंसारी। साजिद अंसारी कहाँ रहते हैं? हाशमी मोहल्ला में, कपाली हाशमी मोहल्ला। कौन मारा तुमको? मेरे जीजा मार। क्या नाम है? शाहिद नाम है। शाहिद? शाहिद जी। क्यों मारा है? जी हम अपना घर बनाएंगे बोल रहे थे, तो मतलब बोल लूँ क्या कि मेरे पापा को मेरे मम्मी को समझा दिया है कि घर बनाने मत दो, इसी दौरान मेरे को मत हाथापाई किया। क्या चीज़ से मारा? काम जी मोटा फड़वा का डंडा से मारा। पीछे से वार किया। फड़वा का डंडा से मारा। हम आए बीच में तो हमको हाथापाई करने लगे तुम्हारे साथ में। हाँ, इनका जीजा घर बनाना चाह रहा है। हाँ, हम घर बना रहे हैं। कौन नहीं दे रहा बनाने? मेरे जीजा जी और मेरा मतलब सागर कुमार। तुम्हारे हस्बैंड का जीजा? हाँ, हस्बैंड के जीजा। क्या नाम है उनका? शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी। हाँ। बनाने नहीं देना चाह रहे? थाना गए थे तुम लोग कम्प्लेन करने? थाना गए थे, कल भी गए थे, तो उसके बाद आज भी थाना वाला बोले कि जहाँ बनाने दे रहा वहीं बनाओ, हम लोग जहाँ बना रहे हैं तुम लोग कहीं बनाने नहीं देंगे घर। तुम मारा कौन है? आज मारा है। आज मारा। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर MGM अस्पताल परिसर में मिशन भारत इंडिया संगठन के तत्वाधान में नर्सिंग स्टाफ को किया गया सम्मानित। MGM अस्पताल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के अवसर पर मिशन भारत संगठन की ओर से नर्सिंग स्टाफ को गुलदस्ता देकर और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांतिक कुमार दास, भागीरथ अप्पा राव, राजेश गुप्ता समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस डे के दिन आज हम लोग को इतना अच्छा सम्मानित किए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग का जो वैल्यू है उसको आप लोग समझ पाए, यही हमारे लिए बहुत खुशी का बात है कि हम लोग पेशेंट के लिए इतना निछावर करते हैं, उसको आप लोग जो भावना है उसको समझते हुए सम्मानित के लिए, इसके लिए आप लोग को बहुत आभारी है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
सिस्टर अनुपा केरकट्टा। MGM हॉस्पिटल जमशेदपुर में MGM हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसमें हम लोग आके देखे एक एक नर्स, इतना यहाँ पर क्राइसिस, संडे है आज का दिन, छुट्टी का दिन के बावजूद भी इतना लोग मेहनत से काम करें पेशेंट को बचाने के लिए। इसके लिए मैं मेरा पूरा टीम की तरफ से सैल्यूट करता हूँ पूरा MGM नर्सेस स्टाफ को, और आशा करता हूँ आगे लोग इस स्टाफ का सेवा प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी, भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी मतदान किया और काफी उत्साहित दिखे। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी ने चकधरपुर स्थित कारमेल बालिका मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 219 में पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उनके पुत्र भी मौजूद रहे, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी मतदान किया। गीता कोड़ा और मधु कोड़ा ने गृह क्षेत्र पाताहातू में आम मतदाताओं की कतार में खड़े होकर मतदान किया। उधर साक्षी के होटल दयाल के बेसमेंट पर GNAC ने बुलडोजर चलाया। होटल दयाल के बेसमेंट में अवैध रूप से रेस्टोरेंट बनाया गया था, इसे लेकर GNAC ने कार्रवाई की और बेसमेंट तोड़ने का काम शुरू किया। साक्षी के होटल दयाल के बेसमेंट पर GNAC ने बुलडोजर चलाया। होटल दयाल के बेसमेंट में अवैध रूप से रेस्टोरेंट बनाया गया था, इसे लेकर GNAC ने कार्रवाई की और बेसमेंट तोड़ने का काम शुरू किया। बेसमेंट में पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। GNAC ने कई अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया है, ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। इससे पहले शताब्दी टावर, सना कॉम्प्लेक्स आदि इमारत के बेसमेंट को खाली कराया जा चुका है। बेसमेंट में कई साल से अतिक्रमण किया गया था। जहां पर भी बेसमेंट्स में पार्किंग नहीं है, जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो जो GNAC के द्वारा मार्क पास्ट है, उसके अलावा कुछ भी कार्य हो रहा है उसके ऊपर हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कार्रवाई की। आज ये होटल है और भी लिस्ट है क्या? हाँ, लिस्ट ही नहीं बल्कि अब तो ये आ गया है, जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं उन सभी में हम लोगों को कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट को एफिडेविट सौंपना है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हैं उनसे, इनफैक्ट हम लोग ये अनुरोध भी करेंगे कि जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, वो लोग अपने बेसमेंट में क्यों ना पार्किंग को बढ़िया से डेवलप कर लें, ताकि हम लोग इस तरह का अभियान हम लोगों को और ज़्यादा तोड़फोड़ ना मचाने। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा घाट के कर्मचारियों ने सोमवार को हड़ताल कर दी। हड़ताल के बाद अंतिम संस्कार का काम कई घंटे तक बंद रहा। बर्निंग घाट पर हड़ताल देखकर लोग परेशान हो गए। कई लोग शव का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। इन लोगों को विष्णुपुर के पार्वती घाट जाना पड़ा, वहां अंतिम संस्कार हुआ। बर्निंग घाट के कर्मचारियों के हड़ताल करने की जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेता पवन अग्रवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से बात की। कर्मचारियों ने बताया कि उनका वेतन 8,300 रुपये प्रति माह है, इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाए। उनका कहना था कि लकड़ी के काम में उन लोगों ने 1,500 रुपये खर्च किए, लेकिन प्रबंधन ये पैसा नहीं दे रही है, इसी के चलते वो लोग हड़ताल पर बैठे हैं। पवन अग्रवाल ने प्रबंधन से बात की तो प्रबंधन 1,500 देने पर राजी हो गया। वेतन वृद्धि पर भी विचार किया जाएगा। इसके बाद हड़ताल खत्म हो गई और अंतिम संस्कार का काम शुरू हुआ। बैठे रहेगा इसी तरह, बार बार धमकी देता है, धमकी हम लोग का नहीं चलेगा, हम लोग काम करता है पसीना ये करके, फिर भी हम लोग 20-25 हमारा 25 साल से काम कर रहा, फिर वैसा ही कुछ नहीं मिलता हम लोग को, धमकी देता है, खाली कर देगा, घर घर खाली कर देगा, तुरंत तुरंत मतलब घर खाली कर देगा। कल क्या हुआ था मामला? कल हम लोग जो लकड़ी सजाता है चिता, उसका भी पैसा रोक दिया, बोला नहीं पैसा नहीं देगा, हम फंड में जमा करेगा, अपना तरफ फंड में जमा करेगा, हम लोग का मजदूरी जो है फंड में देगा, बोला पब्लिक हम लोग डिपॉजिट करता है, जो हम लोग सेवा करने के लिए जो देता है वो भी वापस करवा देता है, वो भी लाभ कितना बार वापस करवा दिया, कितना पैसा रुका? पैसा हम लोग का 8,000 पेमेंट देता है सर, 8,300। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं? मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी झंडा चौक साक्षी बाजार जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में, कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में, बालिका वधु सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में, साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में, नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में,
ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए। जरीवाला पीएन चौधरी 2x6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438404। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना। पर वोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकाल कर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1-0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। विजिट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, मदानी ट्रेड सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी,
बिश्तीपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आगामी जून माह में चांडिल डैम का पानी पाइप द्वारा हर खेत तक पहुंचाया जाएगा। ये बातें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पटमदा के लोबादी गांव के दीगी पंचायत मैदान में कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में हम शिक्षकों की बहाली शुरू करेंगे ताकि इसका लाभ स्थानीय जाति जनजाति लोगों को मिलेगा और वह पढ़कर आगे बढ़ेंगे, इससे राज्य और देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की नज़र झारखंड के जल जंगल जमीन पर है, भाजपा उस पर कब्जा कर अमीरों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमला वाली पार्टी है, बोलती है लेकिन कुछ करती ही नहीं। इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, पूरे देश में चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ आप हमारे उम्मीदवार समीर मोहंती को वोट दीजिए। 5 साल में ये मौका एक बार मिला है ताकि हम लोग विकास की गति को और तेजी से बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा ने काला धन लाने की बात कही थी लेकिन आज तक कोई भी काला धन नहीं ला पाया। उन्होंने सभी जनता के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात कही थी लेकिन 15 पैसा तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज गरीब शोषित वंचित लोग एकमात्र सहारा हमारी पार्टी है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूरे देश भर में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और जीत हासिल करेगी। इस सभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक मंगल कालंदी, रामदास सोरेन, उम्मीदवार समीर मोहंती सहित कई नेता उपस्थित थे। इस मौके पर कई लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। दादा लेकिन यह कोल्ड स्टोर अभी तक बंद है। दादा पानी पहुंचाने की बात करते हैं, पटमदा में जो बना कोल्ड स्टोर है अब तक बंद है, हैंड ओवर नहीं हुआ। अरे जो हम बोलने जा रहा है उनका तो पूछो नहीं है सर, सब जुमला साबित हो गया है। एक ही घोषणा भारतीय जनता पार्टी का है बेटा, और हमने यहाँ का किसानों के लिए 3 दिन का व्यवस्था दे देंगे और 14 के 14 सीट हम लोग बंगला उड़िया संताली भाषा के टीचर भी बहाल करे दादा। आने दीजिए, जाने दीजिए ना जुमला बोलने के लिए, कोई बात नहीं। टीचर की बहाली कब तक? जून महीना। वही पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल युवा मंच एवं हिंदी दैनिक प्रभात खबर के संयुक्त तत्वाधान में बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में जलदान अभियान के तहत स्टैंड स्टील का ग्लास मग सहित 2 सेट घड़ा दिया गया है। इसके अलावा पक्षी को पीने का पानी के लिए 4 सिकोरा एवं फलदार वृक्ष भी दिया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कृष्णा इंग्लिश मीडियम इंग्लिश स्कूल के सचिव हरि बल्लभ सिंह RC के कर कमलों से घड़ा एवं सिरकों में पानी भरवा कर एवं वृक्षारोपण कर पीने का पानी के कार्य का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात स्कूल के प्रधानाध्यापिका कृष्णा पांडे, उप प्रधानाध्यापिका सरोज सिंह एवं सदस्य कृष्णानंद चौधरी ने भी बारी बारी से घड़ा सिकोरा में पानी एवं वृक्षारोपण लगाने का कार्य संपन्न किया। इससे स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे। वाले राहगीरों को पानी पीने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आगे भी हम लोग और भी जगह का चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरतमंद जगह है वहाँ वहाँ पुनः हम लोग इस तरीका का घड़ा लगाने का काम करेंगे। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों के आवास पर BLO ने पहुंचाई मतदाता पर्ची। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा, 25 मई को जिले के सभी मतदाता अपने बूथ पर जाकर मतदान करें और लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी दिखाएं। 9 जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य वित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल एवं उप विकास आयुक्त मनीष कुमार के आवास में पहुंचकर BLO रविन्द्रनाथ पाठक के हाथों मतदाता सूची पर्ची जिले के वरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से आगामी 25 मई को बूथ पर जाकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता तक BLO द्वारा मतदाता सूची पर्ची पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही रंगीन वोटर कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मतदान प्रक्रिया, चुनाव आयोग के लिए विभिन्न ऐप, पोलिंग स्टेशन का नाम, दिनांक व नक्शा, BLO का नाम, फोन नंबर, मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज आदि की जानकारी है। सभी मतदाता सुदृढ़ लोकतंत्र हेतु अपने मत का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने जिम्मेदारियों को जरूर निभाएं। इधर अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट ने जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया, जहां 103 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।
अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट की ओर से रविवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भारत माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में 103 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर महेश कुमार, धीरज सावत, चंदन खंडेलवाल, संतोष साहू, उत्तम शर्मा, वायु सिंदोनिया, गौरव खंडेलवाल, उत्तम शर्मा आदि मौजूद थे। संतोष साहू अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट से। अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट द्वारा विगत 4 वर्षों से प्रतिवर्ष मई माह के महीने में इस भीषण गर्मी में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इसमें हमारे रक्तदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जमशेदपुर शहर में गर्मी के दिनों में रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग ये रक्तदान कराते हैं ताकि जो थैलेसीमिया के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं या अन्य किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके। जमशेदपुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे रक्त की बिक्री नहीं होती है, लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। उधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय की उपलब्धता, मरम्मत कार्य की समीक्षा की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्लस्टर एवं मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टी तथा पुलिस बल के लिए आवासन समेत पेयजल, शौचालय, बिजली की उपलब्धता एवं चल रहे मरम्मत कार्य की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल द्वारा किया गया। उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल जमशेदपुर सुनील कुमार उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता से मतदान केंद्र एवं क्लस्टर में पेयजल एवं शौचालय के मरम्मतीकरण कार्य में अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। कार्यालय अभियंता ने बताया कि 90% कार्य पूर्ण है, शेष कार्य 2 दिनों के अंदर पूर्ण करने को लेकर आश्वस्त किया। जीव दया पशु कल्याण कार्यक्रम के तहत मारवाड़ी युवा मंच चांडिल नगर शाखा के तत्वाधान में शिकोरा का वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। शिकोरा लेकर सभी महिलाओं ने अपने अपने घरों के छत पर पानी भरकर रखने का संकल्प लिया। युवा मंच के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय कार्यक्रम जीव दया एवं पशु कल्याण के अंतर्गत सालों भर कार्यक्रम चलता रहता है, जिसमें गौ सेवा, पक्षियों के लिए जल अमृत धारा, पक्षियों के लिए दाना पानी देकर भोजन की व्यवस्था करना, पशुओं की सुरक्षा सहित कई अन्य कार्यक्रम शामिल है। संजय चौधरी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने घर के बाहर एवं अपने घर के छत पर पानी अवश्य रखें, जिससे पशु पक्षियों को इस गर्मी में राहत मिल सके। मौके पर निकिता जालान, विकास रुंगटा, गौरव बगड़िया, श्याम कला भवन के सहसंयोजक दुर्गा चौधरी, रोहित चौधरी, अश्वनी शर्मा, विश्व हिंदू परिषद संगठन के मंत्री मिथिलेश महतो, एकल विद्यालय की रेखा महतो, लाल बाबू सहित काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। खून से लथपथ दो अधेड़ हाथ में रॉड लिए पहुंचे आदित्यपुर थाना, परिसर में मची अफरा तफरी। कमारिया प्रखंड के 3 मतदान केंद्रों में मशीन खराब होने के कारण 1 घंटे देर से शुरू हुआ मतदान। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पति मानको सोरेन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी, भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा समेत पूर्व मुख्यमंत्री ने किया मतदान। और कपाले स्थित हाशमी मोहल्ला में जमीन विवाद में हुई जमकर मारपीट, घायल का MGM में चल रहा इलाज। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ के पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।